स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का आखिरी टॉपिक, विच इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। एंड आल्सो वी आर डिस्कसिंग सम डिसऑर्डर्स दैट आर मेंशन इन एनसीईआरटी और रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम साई एकेडमी। लेक्चर 7, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की या कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, तो नॉर्मल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट की होती है, नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें हमारा बीपीएम यानी कि बीट्स पर मिनट रहती है 72 टाइम्स। ठीक है, और जैसे हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। ऐसे ही नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। ये जो वर्ड है इंट्रिंसिकली एनसीईआरटी में मेंशन है, इसका मतलब होता है कि जो हार्ट है हमारा वो ऑटो रेगुलेटेड है बाय सम स्पेशलाइज्ड मसल्स, जिनको हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है, नोडल टिश्यू। बिल्कुल, हमारा हार्ट कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो नोडल टिश्यू। वहीं अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा हार्ट कौन सी मसल से मिलकर बना है, तो आंसर होगा कार्डियक मसल। कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है टिश्यू और मसल देके। और क्योंकि लगभग आधे सीबीएसई के स्टूडेंट्स ने कार्डियक मसल पढ़ रखा है, तो वहां पर कार्डियक मसल लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि कौन से टिश्यू से हमारा हार्ट रेगुलेटेड है, तो वो है नोडल टिश्यूज, या और अगर पूछे कौन से मसल से रेगुलेटेड है, तो वो है कार्डियक मसल। ठीक है, और क्योंकि हमारा हार्ट जो है रेगुलेट होता है इंट्रिंसिकली, विच मीन्स जैसा अभी मैंने बताया ऑटो रेगुलेटेड है, तो हम इसको कहते हैं दैट द हार्ट इज मायोजेनिक। क्या कहते हैं, मायोजेनिक। द हार्ट इज, द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बिकॉज ये बिल्कुल ऑटो रेगुलेटेड होता है, और पूरा हमारा जो कार्डियक एक्टिविटी का पूरा सिस्टम होता है, ये पूरा हमारे नर्वस सिस्टम से रेगुलेट किया जाता है। कार्डियक एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय ANS और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है थ्रू द न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लेंगेटा। मेडुला ऑब्लेंगेटा हमारा ब्रेन का एक पार्ट है। आपको मेरे ऊपर एक इमेज दिख रही होगी जिसमें मेडुला ऑब्लेंगेटा मेंशन है, बिल्कुल इसी इमेज में देख लीजिए मेडुला ऑब्लेंगेटा, वहीं पर एक पोन्स रीजन भी है। तो इसी यही वो मेडुला ऑब्लेंगेटा है जो न्यूरल सेंटर है, किसका, ANS का, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। आगे देखते हैं, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट ऑफ बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अगर ये सब आपको अभी तक नहीं पता, तो ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा हमारी चैप्टर 18 की प्लेलिस्ट का, उसको भी देख लीजिएगा इस चैप्टर को पूरा होने के बाद, और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके रहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फर्स्ट स्लाइड पे जो एक व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा था, सिर्फ आप उस पर सिंपली हाई साई एकेडमी टेक्स्ट करके भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। और हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो एक बार मैं इस लाइन को पढ़ देता हूं, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल इंक्रीज कार्डियक आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है। और कौन बढ़ा रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं आगे बात करें तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर रहा है कार्डियक आउटपुट को, इंक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को, और इंक्रीज कर रहा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट बाय डिक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो बस कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, सिंपैथेटिक जिन चीजों को इंक्रीज कर रहा है, पैरासिंपैथेटिक उन चीजों को डिक्रीज करेगा, जैसे कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कार्डियक आउटपुट आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन। हमारे एड्रेनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, उनसे भी कार्डियक आउटपुट इन्फ्लुएंस होता है। कैसे होता है, दे कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, क्योंकि अभी हमने ऊपर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक देखा, उनमें एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, और हम यहां कह रहे हैं कि एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो है कार्डियक आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कैसे कर रहे हैं, दे इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, नॉट डिक्रीज, ये इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो ये था कैसे हमारा जो है कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होती है हमारे ब्रेन से, ANS
यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कुल मिला के हमारी कार्डियक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ डिसऑर्डर्स की जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो सबसे पहले चीज जो डिसऑर्डर है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का आपने सभी ने आम भाषा में नाम सुन रखा होगा, आमतौर पर आप इसको कह देते हैं बीपी की बीमारी, बीपी बढ़ रहा है, वो बेसिकली हाइपरटेंशन होता है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हायर देन द नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। और जब ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से हाई हो जाए, ए पर्सन सफर फ्रॉम द हाइपरटेंशन और द हाई ब्लड प्रेशर, उस पर्सन को हम कह सकते हैं कि वो हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है या हाई ब्लड प्रेशर से। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया 120/80 mmHg होता है, 120 Hg इज द सिस्टोलिक प्रेशर। ये कौन सा है? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है सब हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज चैप्टर बिल्कुल एंड होने वाला है, अगर अब भी आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप उनको देख लीजिएगा। और 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 120/80 mmHg होता है जिसमें 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर है, वहीं 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर है। अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन का 120/80 mmHg से 125/85 mmHg हो जाए तो हम उनको कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन के शिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5, 7 पॉइंट बढ़ने से जो है वो हाइपरटेंशन से सफर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे होगा? जब ब्लड प्रेशर राइज हो जाए 140/19 mmHg, एक रेंज जो है डॉक्टर्स ने साइंटिस्ट ने एक रेंज बना दी है कि 140/19 mmHg से अगर ज्यादा राइज होता है तब हम उसको इंडिकेट करेंगे हाइपरटेंशन, तब वो हाइपरटेंशन कहलाएगा। तो हाइपरटेंशन बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर राइज करके 140/19 mmHg हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर ये वो मतलब एक एक्सट्रीम लेवल से भी ज्यादा बढ़ जाए तो ये बहुत सी बीमारियां भी आपको कर सकता है, जैसे कि इट कॉज प्रॉब्लम्स विद द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनीज एंड ब्रेन। ये हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम कर सकता है जैसे कि हार्ट, किडनी और ब्रेन। तो ये था हाइपरटेंशन। अब इससे आगे देख लेते हैं, आगे है हमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसको हम आमतौर पर आर्थरोस्क्लेरोसिस, दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज। जो आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है उसमें क्या होता है, नैरो हो जाती है, वो नैरो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अच्छा वो नैरो हो रही है कैसे हो रही है, हम मान लीजिए ये आर्टरी है, ये क्या है, ये आर्टरी है। अब ये नैरो कैसे हो सकती है, या तो बाहर से प्रेशर अप्लाई हो तो ये क्या होगी, ये दब के पतली हो जाएगी, या फिर अंदर कोई चीज इसमें यहां पर चिपक जाए, जब कोई चीज ज्यादा चिपकने लगेगी तो भी ये क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इस ल्यूमेन में क्या होता है, डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड फिब्रस टिश्यूज का, क्योंकि इस पे बाहर से तो प्रेशर हम अप्लाई नहीं कर नहीं सकते। बाहर से प्रेशर कैसे अप्लाई हो सकता है, जब ब्लड अंदर फ्लो कर रहा है, और ब्लड अंदर फ्लो करेगा तो ब्लड का अपना प्रेशर होगा जो वॉल्स पर लगेगा। अब जब वॉल्स पे प्रेशर लगेगा तो क्या वॉल्स नैरो हो पाएगी, नहीं होगी वॉल्स नैरो। अरे आप अगर किसी पाइप में फंसे हुए और अंदर से प्रेशर लगा रहे हो तो क्या वो पाइप आपको दबा पाएगा, नहीं दबा पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है और ब्लड का अपना प्रेशर वॉल पर है तो अंदर की तरफ से क्या होता है कि डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फिब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है हर्ट मसल्स तक वो अफेक्ट हो जाती है, बेसिकली डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर नैरो हो रहा है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगली जो बीमारी है वो है एंजाइना। एंजाइना या फिर जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट चेस्ट पेन। चेस्ट में बहुत तेज से पेन होता है, किसकी वजह से होता है कि हर्ट मसल्स में सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जितनी ऑक्सीजन हमारी हर्ट मसल्स को चाहिए होती है, पूरी बॉडी को तो चाहिए मगर हर्ट मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बहुत ही तेज से चेस्ट में पेन होगा। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट पेन ड्यू टू द इनसफिशियंट ऑक्सीजन रीचिंग द हर्ट मसल्स, ठीक है बच्चों। और लास्ट जो हमारी डिसऑर्डर है वो है हार्ट फेलर। हार्ट फेलर जिसमें क्या है, हार्ट बिल्कुल ही फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। तो क्या है, इनएफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट कॉज्ड यूजुअली ड्यू टू द कंजेशन ऑफ हार्ट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड
कंजेस्टिव हार्ट फेलर। हम इस हार्ट फेलर को कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी कहते हैं, क्योंकि इस हार्ट फेलर के होने की एक वजह कंजेशन ऑफ हार्ट भी होता है। और इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, इनएफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है, जिससे हमारा हार्ट फेल हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, और हमने अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है पूरे दो चैप्टर। एक चैप्टर 17 हम पूरा कर चुके हैं, एक चैप्टर 18 हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 17 नहीं देख रखा है, या आपको उसमें कोई भी डाउट लगता है, या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि हमने अपने चैनल पर क्लास 9th और 10th का भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, वाजिद सर साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके छोटे भाई बहन या फ्रेंड्स 9th 10th में है, तो आप उनको भी साई एकेडमी रिकमेंड कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।